नमस्कार, आप देख रहे हैं नैना वर्ल्ड न्यूज खबर बिजनौर से। बिजनौर में राष्ट्रीय प्रेस क्लब चांदपुर का हुआ गठन, अनिल शर्मा चुने गए अध्यक्ष। प्राप्त समाचार के अनुसार जनपद बिजनौर के तहसील चांदपुर के पत्रकारों ने आज नंदन स्वीट फारा रोड पर एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में सभी की सहमति से एक नया संगठन राष्ट्रीय प्रेस क्लब चांदपुर के नाम से बनाया गया। इस अवसर पर सर्वसम्मति से अनिल शर्मा को अध्यक्ष चुना गया। नव निर्वाचित अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया कि पत्रकारों पर अपराधियों द्वारा भ्रष्टाचार की खबरें प्रकाशित करने पर लगातार हमले हो रहे हैं। यह संगठन पत्रकार हित के लिए बनाया गया है। संगठन का उद्देश्य रहेगा कि पत्रकार हित की लड़ाई लड़ी जाए। अनिल शर्मा ने कहा कि उनका जीवन पत्रकारों के लिए समर्पित है। यदि किसी पत्रकार पर कोई आंच आती है तो वह उस पत्रकार के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर उस पत्रकार के हित की लड़ाई लड़ेंगे। आज आपको राष्ट्रीय प्रेस क्लब का अध्यक्ष बनाया गया है, चांदपुर का क्या प्रोग्राम? मेरा कहना है कि चांदपुर में जो अब तक पत्रकारों संगठन बने हुए थे और निष्क्रिय हो चुके थे और किसी पत्रकार के साथ कोई घटना घटती थी तो वो उसमें उसका सहयोग नहीं कर पाते। पत्रकार इस बात से पीड़ित थे, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था, इसलिए आज हमारे साथियों ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय प्रेस क्लब के नाम से एक नया संगठन बनाया है, जिसमें उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। मैं प्रयास करूँगा कि सबकी समस्याओं का समाधान कराऊँ और सबकी लड़ाई करूँ, सबके हितों की रक्षा करूँ। अच्छा, पत्रकारों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, इसके प्रेस क्लब क्या मतलब वो करेगा? किसी पत्रकार की समस्या आती है, किसी अत्याचार का कोई मामला आता है तो उसकी पूरी जांच कराई जाएगी। अगर किसी अधिकारी कोई अधिकारी किसी खिलाफ करता है तो अधिकारी के खिलाफ जांच कराएंगे, कार्रवाई कराएंगे। पत्रकार को न्याय दिलाने का मकसद है हमारा।